हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ गर्मा गर्म समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नए वीडियो को देखने के लिए। उसके लिए मैंने आटा लिया है, मैंने 2 कप आटा लिया है और उसमें स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक मिला दिया। अब इसमें हम लोग अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हथेली से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम लोग इसमें कलौंजी डाल देंगे। अब मोइन के लिए मैंने इसमें करीब 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मुट्ठी बांधने लगे तो समझिए हमारा मोइन परफेक्ट है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके कड़ा टाइट नमकीन, जिस तरह हम लोग नमकीन का आटा गूंदते हैं उस तरह गूंद लेंगे और इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब आलू का मिश्रण हम लोग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने पैन में तेल चढ़ा दिया है। अब उसमें सबसे पहले हम लोग मूंगफली भून लेंगे। और थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिस्ता भून लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने ये सब को ड्राई फ्रूट्स को और मैंने थोड़ा सा बादाम कतर के रख लिया था उसे भून लिया है। अब सब ये सब को भून कर एक तरफ अलग निकाल कर रख लेंगे हम लोग। मैंने इसे निकाल लिया। अब हम लोग तेल डालेंगे, उसी तेल में हम लोग थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब कटी हुई लहसुन और कटी हुई अदरक डालेंगे और इसे भून लेंगे हम लोग। अब इसमें कटे हुए प्याज और कटा हुआ अदरक, सॉरी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसे भून लेंगे हम लोग। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसे भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को पका लेंगे अच्छी तरह से। मसाले हमारे भून गए हैं। अब उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम लोग और नमक डाल कर थोड़ी देर और भून लेंगे। अब इसमें हम लोग पनीर डाल देंगे और पनीर को भून लेंगे थोड़ी देर। पनीर हमारे भून गए हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे पनीर को निकाल कर एक अलग प्लेट में रख निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए मसाले में अब हम लोग उबले हुए आलू को डाल देंगे। आलू को हम लोग मैंने थोड़ा अच्छी तरह से मैश नहीं किया है, उसे रफली ही मैश किया है मैंने।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा आलू के क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इसमें नमक को ऐड कर देंगे और इसे अब भून लेंगे हम लोग अच्छी तरह से मिलाकर। अब इसमें धनिया पत्ती को हम लोग मैश मिला देंगे। अब इसके ऊपर मैंने अलग से गाजर और शिमला मिर्च और मटर को भून कर रखा था, उसमें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग आटे को अच्छी तरह से फिर से मैश करके और उसकी लोइयां बना लेंगे। इसे अंडाकार शेप में काट लेंगे। अब इसे उठाकर हम लोग इसे कोन का रूप देने की कोशिश करेंगे। और जो अंगूठे और उंगली के बीच का जो जगह है उसमें इसको फिट कर देंगे और एक कोन का रूप कोन के शक्ल बना देंगे। उसे सबसे पहले थोड़ी सी आलू भरेंगे हम लोग, फिर उसमें बादाम के कुछ पीसेस, फिर काजू, एक पिस्ता, एक पनीर के पीसेस और थोड़ा सा आलू डाल के हम लोग इसके ऊपर से भर लेंगे और किनारे को पानी लगाकर हम लोग इसके इस हिस्से को चिपका देंगे और एक समोसे का शक्ल दे देंगे। पानी से चिपका देने से हमारा समोसा खुलेगा नहीं तलते वक्त। और ये सारे ड्राई फ्रूट और पनीर को अलग से डालने पर क्या होता है कि हर एक समोसे में सब चीज़ आ जाता है। एक बार फिर से हम लोग को देखते हैं किस तरह का प्रोसेस फिर से दोहराते हैं। किनारों को हम लोग पानी लगा देंगे, फिर उसे कोन का शक्ल देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। बीच में फिंगर लगा के इसको साइड को दाबने की कोशिश करेंगे। अब बीच में उंगली अंगूठे के बीच वाले स्पेस में इसे डालकर और इसमें हम लोग समोसे के मटेरियल को भरेंगे। और इसे थोड़ा से ड्राई फ्रूट जो हम लोगों ने भून के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और एक पनीर का टुकड़ा। अब उस पर से थोड़ा सा आलू का मटेरियल डाल देंगे हम लोग। और किनारों को चिपका लेंगे और समोसे का शक्ल दे देंगे। एक बार फिर से आप देख ले, इसे अंडाकार शेप में लंबा काट लेंगे हम लोग। और किनारों में पानी लगाकर इसे इसे कोन का शेप देंगे और इसे दबा लेंगे अच्छी तरह से हम लोग।
और बीच में जो हम लोग ने आलू को भून के रखा है समोसे का, उसे डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट भुना है वो डाल लेंगे, पनीर डाल लेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा आलू डालकर हम लोग इसे बंद कर देंगे। देखिए इसी मेथड को बनाते हुए ये सारे समोसे बन गए हैं मेरे। ये देखिए इतने आटे में कुल 20 समोसे बने हैं। अब चलिए अब इसे तलने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल या घी या रिफाइनल जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जब एक बार गर्म हो गया तो मैंने उसके फ्लेम को लो कर दिया है। अब लो फ्लेम में हम लोग इसे धीरे धीरे करके तलेंगे। लो फ्लेम में तलने से हमारा समोसा कुरकुरा बनेगा और समोसे को जब हमारा तैयार हो जाए तो हम उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे, उसके बाद तलेंगे। इस तरह तलने से हमारा समोसा क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। हम लोग धीमी आंच पे इसे धीरे धीरे तलेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमेशा धीमा ही रखें और इसे तलने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है, तभी इसमें टेस्ट भी आता है। तो इस पर समोसा तलते वक्त आप इस प्रकार की सावधानी ज़रूर रखें। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया, समोसा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। अब इस तरह के करके सारे समोसे को हम लोग तल लेंगे। ध्यान रहे चूल्हे का फ्लेम लो ही रहना चाहिए। और समोसा बनाकर हम लोग आधे घंटे के लिए उसे यूं ही ड्राई होने देंगे, उसके बाद तलेंगे, तभी हमारा समोसा क्रिस्पी बनेगा। हमारा समोसा तैयार है सर्व करने के लिए। आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो रेसिपी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।